स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, शायद सुना हो आपने। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं जल्दी से। स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक ओपन सोर्स जावा प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? एक ओपन सोर्स जावा प्लेटफॉर्म है जिसे एंटरप्राइज लेवल जावा एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। यूज किया जाता है इसे एंटरप्राइज लेवल जावा एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। यह फ्रेमवर्क एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करता है और जावा एंटरप्राइज एडिशन डेवलपमेंट के लिए पावरफुल टूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। ये कुछ की फीचर्स ऑफर करता है वो देखते हैं। सबसे पहला है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट और कॉन्फिगर करता है जो कि कोड को लूजली कपल्ड बनाता है और मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करता है। दूसरा है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू क्रॉस कटिंग कंसर्न्स को एनकैप्सुलेट किया जा सकता है, जैसे लॉगिंग, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तीसरा है ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट। स्प्रिंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे डेटाबेस ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना आसान हो जाता है। चौथा है एमवीसी फ्रेमवर्क। स्प्रिंग एमवीसी यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर बेस्ड वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यूज होता है। पांचवा है इंटीग्रेशन सपोर्ट। स्प्रिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, जैसे JDBC, हाइबरनेट, JMS एक्सेट्रा। इसके अलावा स्प्रिंग इकोसिस्टम में और भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे स्प्रिंग बूट जो कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, फिर स्प्रिंग डेटा डेटा एक्सेस लेयर के लिए, स्प्रिंग सिक्योरिटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए, जिन्हें यूज करके डेवलपर्स एफिशिएंट और स्केलेबल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ओवरऑल स्प्रिंग फ्रेमवर्क जावा डेवलपर्स के लिए एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट प्रोसेस को एनहांस करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर ऐसे वीडियोस आते रहें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है कि काफ़ी सारे वीडियोज़ आप मिस कर जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।